हेलो गाइस, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे मेरी तरह। तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गूगल में हायरिंग निकली, जैसे आपको वीडियो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है, ऑल इंडिया में वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी किस चीज़ की निकली है मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो वीडियो एंड तक देखना, अगर नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो डीड एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की निकली है, इसमें आप फ्रेशर जितने भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो जितने भी लोग डिजिटल मार्केटिंग से क्लोज में हैं तो उनके लिए वैकेंसी ये बहुत अच्छी है। डिजिटल मार्केटिंग जो लीड में भी काम करते हैं, लीड जनरेशन में, उसमें भी। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, और बिजनेस रोल इन लीड ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी जैसे कि गूगल एड्स चलती हैं तो उस पे एक्सपीरियंस। डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स पे होना चाहिए, गेमिंग पे होना चाहिए, इंटरनेट एनवायरनमेंट पे होना चाहिए, मतलब जितनी भी ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग हो वो सब आपको पता होना चाहिए, अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इस चीज़ में। अब बात करते लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी अगर आप इस जो कंपनी में गूगल में आपकी हायरिंग हुई थी उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्लान एग्जीक्यूट डेली, वीकली, मंथली आपका होना चाहिए। मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक जो प्लान जैसे रहता है, कंपनी जो बोलती है कि जो ट्रैफिक आना चाहिए कस्टमर्स का, बिजनेस की ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो जो काम है एक डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा, ठीक है। तो वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो प्लान कैसे डेली वीकली, जिससे कि हर मतलब डेली डेली ग्रोथ हो, कस्टमर नए नए आए जिससे कंपनी का बिजनेस ग्रो हो, तो वो चीज़ पता होनी चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी एक डिजिटल मार्केटिंग की। और नेक्स्ट चीज़ है कि नो दी मार्केटिंग प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट पता होना चाहिए कंपनी का क्या है क्या नहीं। उसके बाद दी नो दी डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम, जितना भी इकोसिस्टम रहता है वो सब क्लियर होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो गूगल में गाइस सैलरी तो आपको पता ही है कि कितनी बेहतरीन सैलरी है, कि फिर भी एक एवरेज सैलरी मैं आपको बता देता हूँ, 64,000-63,000 के अराउंड रहेगी आपकी स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर। तो सोचिए गाइस, अगर कोई भी गूगल में जाता है तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग लीड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके आप डायरेक्ट दे सकते हो और अच्छे से डिटेल को पढ़ सकते हो, क्या क्या आपके अकॉर्डिंग डिटेल्स हैं, एलिजिबिलिटी है। और इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि एज क्राइटेरिया, कोई भी 18-18 साल से ऊपर कर सकता है जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और दूसरी ऑल इंडिया है, कोई भी कर सकता है अप्लाई, कहीं से भी कर सकता है, फ्रेशर कर सकते हैं। और जो एजुकेशन मैंने बता दी है आपको, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो आई अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने आसपास ग्रुप में शेयर करना जिससे और लोगों को पता चल सके इस बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो मिलता हूँ आपको ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।